आपका स्वागत है मियां गुल किचन में। आज बनने जा रहा है अंडा बिरयानी, और हमको अंडे बिरयानी के लिए चाहिए, जो चावल को हमको बॉईल करने के लिए चाहिए, ये बड़ा फूल है और 3-4 लौंग है, तेज पत्ता है और जीरा है। और हमको सूखे मसाले में चाहिए गरम मसाले का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और ये बिरयानी मसाला कौन सा है? बिरयानी मसाला शाका है। शाका। और हमको चाहिए सब्जी में, हमको हरा मटाला चाहिए और बीन्स चाहिए, 2 आलू चाहिए। और हमको ग्रेवी के लिए मसाले में चाहिए 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, और हमको थोड़ा सा किशमिश चाहिए। किशमिश इसलिए चाहिए कि हमको मसाले में बहुत एक अलग सा टेस्ट चाहिए, तो हम किशमिश डाल सकते हैं। आपको डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। और लहसुन चाहिए और कोथमीर चाहिए। और हमको मैंने 6 प्याज मैंने काट के रख ली हूँ, जो बघार में जाएगा, और 5 टमाटर है जो मैंने काट के रख ली हूँ, वो भी बघार में जाएगा। ये चॉप करे हैं या फिर? मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके ले ली हूँ बारीक सा। अच्छा। इसको भी मिक्सर में ग्राइंड करके ले ली हूँ। अंडे को बॉईल करके ले ली हूँ और 1 kg चावल। तो अंडा इसमें कितना जाएगा? 12 अंडे जाएंगे। जो प्लेट में अच्छे मसाले थे जो मैंने पानी में बॉईल पानी में डाल दी हूँ, जिसमें हमको चावल को बॉईल करना है। और पानी कितना लिए? पानी हमको कम से कम 1 लीटर पानी चाहिए, 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए। और चावल इसमें कितना जाएगा? चावल जाएगा हमारा 1 kg। हमको कम से कम चावल को 5 मिनट बॉईल करना है, जो मीडियम पक्कर निकले, कच्चा हो थोड़ा और पक्का हो। बिरयानी के लिए हमको वैसा ही चावल चाहिए। तो बबल्स आने तक का वेट करना? हाँ, बबल आने तक वेट करना, जो अच्छा खासा उबल जावे चावल, जब हमको छान लेना चावल। ठीक है, अभी मैं मसाला पीसने जा रही हूँ। अब जा रही कोथमीर। किशमिश का इसमें बहुत अच्छा रोल है। अगर आप इसमें कभी भी बिरयानी बनाओगे अंडे की, तो आप किशमिश जरूर ऐड करना, क्योंकि इसमें एक अलग सा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर। तो 1 मुट्ठी किशमिश लेंगे? हाँ, बस 10 रुपए भी, 10 की भी किशमिश मंगा लिए ना, तो इसमें भी अपना मसाला अच्छा तैयार हो जाता है और खाने में बड़ा टेस्टी बनती है ये बिरयानी। एक बार आप जरूर ट्राई करना। पानी डाल के? हाँ, पानी डाल के मिक्स करूंगी, अच्छा इसका पेस्ट बना लूंगी मैं। एकदम बारीक चाहिए? एकदम बारीक चाहिए। ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इतना फाइन पेस्ट चाहिए हमको। पानी बॉईल हो चुका है हमारा, बबल्स आ गए। बबल्स आ गए, अब हमको राइस डालना। अच्छा, मैं जीरा राइस में बना रही हूँ, बासमती राइस में नहीं बना रही हूँ चावल। बिरयानी बारीक चावल के अंदर में बना रही हूँ, जो नॉर्मल घर में जो रहता है, इससे भी बहुत अच्छा बिरयानी बनती है। एक बार आप जरूर ट्राई करना। इसमें हमको एकदम कम नमक ही डालना है, एकदम मीडियम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है? मसाले में नमक सब रहेगा। अब इसको हमको कम से कम 5 मिनट तक बॉईल होने देना है, जब तक हमारा चावल थोड़ा सा पक नहीं जाए। अच्छा, मैं तपेली रख रही हूँ, जो हमको सब मसाला ग्रेवी तैयार करना है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, जो कि हमारा तेल 4 चम्मच होगा। अच्छा, मैंने 4 चम्मच तेल डाल दी हूँ और गरम करने रख दी हूँ। अभी इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, लेकिन पहले तेल गरम होने, तेल गरम होने दो, तब मैं प्याज डालूंगी। और ये जो है इसको खुला ही पकाने का? हाँ, इसको खुला ही पकाना है हमको। इसको रात को पकाएंगे तो हमारा चावल ज्यादा पक जाएगा, इसलिए इसको खुला ही अपन को बॉईल करके लेना है। अच्छा, अभी हम प्याज, अब इसे जाएगा कड़ी पत्ता। प्याज के साथ में? प्याज के साथ में ही हमको डालना है, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए, मतलब इसको हमको 2 मिनट तक प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। चावल निकाल ले रही हूँ। चावल हो गया? हाँ, चावल हो गया। तो सबको ज्यादा बॉइल नहीं करना है, बस इतना ही करना है, तो चावल अपना टूटे। अच्छा, अपना चावल तैयार हो गया है। अब इसको मैं छान के ले लूंगी। ठंडे पानी में हमको धो लेना है, ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालना है। इसलिए डालना है कि अपना चावल, मतलब चिपके नहीं, फरारा बने। इधर चावल को निकाल के रख देने का, ठंडा कर देने का। ठीक है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने आ गया है।
कम से कम इसको 2 से 3 मिनट हमको फ्राई करना है प्याज को, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। लोग प्याज भून कर भी रखते हैं पाउडर बनाकर, ब्रिस्ता ना? हाँ ब्रिस्ता। तो मैं ब्रिस्ता ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा कड़वापन लगता है, इसलिए मैं फ्रेश ही प्याज को भूनती हूँ और बनाती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर कितना लिए? 5 टमाटर लिए थे मैंने। 5 टमाटर को मिक्सर में चॉप कर ली, चॉप कर ली थी। ज़्यादा बारीक नहीं करी मैंने, हल्का हल्का सा दरदरा रखी हूँ। अब इसको कम से कम हमको 5 मिनट तक भूनना है। 5 टमाटर थे और 6 प्याज थे। 6 प्याज थी। हो गया ये? हाँ ये तैयार है। अब इसमें हमको जो हमने मसाला तैयार रखे थे अब वो ऐड करना है, जो पीस लिए थे, जो पीस लिए थे बाहर। और इसमें भी बुक्की भी जाएगी हमारी, सूखे मसाले, सूखे मसाले हमारे जितने हैं ये सब जाएंगे। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको हमको और 5 मिनट सब मसालों में भूनते रहना है। अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए नमक, कम ज़्यादा जो है। अब स्लो करेंगे थोड़ा, फास्ट को भून कर 5 मिनट के लिए मसालों को स्लो गैस पे रखेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाए, मसाला अच्छी तरह भुना। और उसको ढक के रखना है अपने को, उसको हमको ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया ना? 2 मिनट हो गया अपना। अब इसमें हम डालेंगे आलू और जो बीन्स है वो डालेंगे, फरस भी, फरस क्योंकि इसको 3 मिनट तक हमको भी और मसाले में पकाने हैं। और अंडा हम एकदम लास्ट में डालेंगे क्योंकि अंडे टूट जाते हैं मसाले में, जब मसाला पूरा तैयार हो जाएगा तो अंडा डालेंगे। अब इसको 3 मिनट के लिए बस छोड़ना है, फिर से ढक के रखना है। हाँ फिर से ढक के, पाँच मिनट हो गए हमारे, तेल भी ऊपर आ गया। तेल ऊपर, अब इसमें हम डाल देंगे उटाने। अच्छा उटाने को कैसा फ्रीजर करते हैं मैं आप सबको वो भी मैं बताऊंगी, तो आप साल भर उटाना रख कर यूज कर सकते हैं। ये भी फ्रीज करे हुए? हाँ ये भी फ्रीज करे हुए, तो आपको मैं इसे वीडियो में जरूर शेयर करूँगी। बस इसको आपको 1 मिनट ही रखना है कि बाद में इसमें अंडा डाल देना है। चावल में अभी इसका प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी आपको। ये हो गया अंडा, अब इसको फास्ट गैस पे हमको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बस इतना करें कि अंडा हमारा टूटना नहीं चाहिए, संभाल के हल्का सा बस साइड से ही चम्मच ऐड करो। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ हमको अभी चावल का और मसाले का तह देना है, जैसा बिरयानी का तह देते हैं ना, लेयर लेयर डालना है। हाँ, लेयर डालना है। तो इसको हमको निकाल देना है क्योंकि जब मुंह में आता है ना तो ये कड़वा लगता है। अब पहले हम डालेंगे चावल का, अभी हमको अंडे को थोड़ा सा साइड में निकाल देना है, हमको इसको ऊपर ही रखना है, जब ऊपर की दूसरी तह जाएगी ना तो हमको ऊपर डालने के लिए हमको अंडा चाहिए। हम सारे अंडों को निकाल लेंगे, ऊपर डालेंगे तो आसानी से मिल भी जाएगा, मिल जाएगा हाँ, और अंडे हमारे टूटेंगे नहीं। अच्छा ये जो योटाना हम ज्यादा नहीं भूने हैं इस वजह से क्योंकि ये मसाले में स्टीम हो जाएगा स्टीम, और मेरे ख्याल से आलू भी गलानी है। हाँ आलू भी स्टीम में ही गलेगा, आलू आधा गल चुका है, बस आधा स्टीम में गलना है। अभी सेम प्रोसेस हमको वैसा ही करना है, एक और मिल जाएगा। आप ये जरूर ट्राई करना बिरयानी,
किशमिश जरूर ऐड करना, बड़ा लज्जतदार टेस्ट आएगा। हाँ। अब इसको हम सारे मसाले को में डालते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी लेयर। क्योंकि बिरयानी में मसाला ज्यादा लगता है, इसलिए हर छोटी मोटी टमाटर हो गया, प्याज हो गया, तो सब चीजों की क्वांटिटी ज्यादा लेना। अब इसमें हम ये चावल ऐड कर देंगे। अब इसमें पूरा जाएगा। अगर आपको फ्रूट का कलर डालना है तो आप डाल सकते हो, कलर वगैरह। हाँ, जो भी है बिरयानी के ऊपर हमको डालना है खूबसूरती के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हमने अंडा ऊपर रखा था डालने के लिए, वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, अभी हमारा जैसा लगता है चावल ऊपर तक दम नहीं होगा, तो हमको बीच में हल्का सा यहाँ खट्टा करके हमको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, जो ये मसाले वाली कटोरी। हाँ, उसी के से पानी हमको मिला के इतना पानी हमको बीच में डालना है। बीच में डाल देना, मतलब आधा ग्लास तक का जाए। आधा ग्लास तक जाए। अगर ऐसा लगता है कि आपका चावल जल्दी दम होना है, हमको जल्दी पकना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे। अब ये मैं कोथमीर ऊपर से डालूंगी। हरे कलर का फूड कलर है, इसको हम अब इसको हमको 10 से 15 मिनट दम करने रख देना है। तो अब ये रेडी हो गया है। हाँ, ये हमारा दम के लिए रेडी हो गया। अब मैंने ढक दी हूँ ढक्कन। अब इसके ऊपर कोई भी वजन रख देना, ताकि इसका जो धुआं है वो बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए, और अच्छे से दम हो जाए। और स्लो पे रखने का? हाँ, स्लो पे रखना है। अब 15 मिनट बाद हम मिलेंगे। ये हमारा अंडा बिरयानी तैयार हो गया है सर्व के लिए भी। रेडी टू सर्व है ये। देख रहे हो कितना चावल खिला खिला बना हुआ है। अब ये अंडा बिरयानी बन गई है, अब इसे खा के देखते हैं। आप भी देखिए कितनी मजेदार बनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए।